वेलकम टू MSM क्रिएशंस। आज हम फैब्रिक से वॉल क्लॉक बनाएंगे। इसके लिए हमें कैशमीन फैब्रिक की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके पास में कैशमीन फैब्रिक नहीं है तो आप नॉर्मल कॉटन फैब्रिक भी ले सकते हैं। क्लॉक बेस के लिए हमने एम्ब्रॉयडरी रिंग यूज़ की है, एक 14 इंच की है और इनर रिंग 6 इंचेस की है। तो सबसे पहले हम 14 इंच वाली रिंग को फैब्रिक पे रखेंगे और उसकी आउटर साइड मार्क कर लेंगे और एक्सेस कपड़ा छोड़ते हुए राउंड हम फैब्रिक कट कर लेंगे। आउटर रिंग मार्क करने के बाद में हमें छोटी वाली रिंग के लिए मिडिल पॉइंट चाहिए। इसके लिए जो हमने सर्कल बनाया है उसको लेंथ में और वर्टिकल माप करके और मिडिल पॉइंट निकाल लीजिए। मिडिल पॉइंट निकालने के बाद में छोटी वाली जो एम्ब्रॉयडरी रिंग है उसको हम बीच में रखेंगे और जो आउटर जो हमने बनाया है सर्कल उससे चारों तरफ से माप के देखेंगे कि सब तरफ से इक्वल डिस्टेंस है या नहीं। अब हम जो मिडिल वाली रिंग है उसको हम उल्टा लगाएंगे। उल्टा लगाएंगे मीन्स जो उसका टाइट स्क्रू वाला जो पार्ट है उसको हम नीचे रखेंगे और जो मिडिल वाला जो सर्कल है उसको हम फ्रंट में रखेंगे। तो उससे जो है वो हमारा जो मिडिल वाला सर्कल है वो नीचे की तरफ जाएगा। इसके लिए जो आप रिंग है उसके ऊपर फैब्रिक ग्लू लगाइएगा। दोनों रिंग पर आपको फैब्रिक ग्लू लगा करके फैब्रिक को स्टिक करना है। अब फैब्रिक को हमें बहुत अच्छे से कसना है। थोड़ा थोड़ा स्क्रू को टाइट करते जाइए और फैब्रिक को कसते जाइए। रिंग लगाने के बाद में फिर से एक बार नाप करके देख लीजिए कि मिडिल रिंग जो है वो परफेक्टली मिडिल में लगी है या नहीं लगी है। अब हम आउटर रिंग को भी लगाएंगे। इसमें हम स्क्रू वाला पार्ट ऊपर लेंगे और जो मिडिल रिंग है उसको नीचे रखेंगे। तो दोनों रिंग पे हमें फैब्रिक ग्लू लगाना है और सिमिलर वे में हमें स्क्रू को टाइट करते रहना है और फैब्रिक को स्ट्रेच करते रहना है। जो बैक में एक्सेस कपड़ा है उसको आप कट करके फोल्ड करके पीछे की तरफ लगा दीजिए। अब जो इनर सर्कल है उसके बराबर का हम पेपर पे सर्कल कट कर लेंगे और उसको हाफ और 3/4 फोल्ड करके और हम नंबर्स के लिए मार्किंग करेंगे। अब पेपर के सर्कल को हाफ फोल्ड करिए और अगेन हाफ फोल्ड करिए तो इससे हमें 12, 6, 3 और 9 के लिए मार्किंग मिलेगी। ये फोल्ड फोल्ड करने के बाद में हमें सेंटर का मिडिल पॉइंट भी मिलेगा। तो इसको आप पेंसिल से फैब्रिक के ऊपर मार्क कर लीजिए। यहाँ पर हमारे हैंड्स आएंगे। अब हम अगेन इस पेपर को और हाफ फोल्ड करेंगे। अब हमें 12 और 3 के बीच में मार्किंग चाहिए। तो जो मिडिल पॉइंट हमें मिलेगा
उससे थोड़ा सा लेफ़्ट और थोड़ा सा राइट पे हम मार्क करेंगे ताकि हमें 1 और 2 की मार्किंग मिलेगी। सिमिलरली हम 4 और 5 और डिज़ाइन बनाने अदर मार्किंग भी करेंगे। जहाँ पर आपको फ्लावर चाहिए वहाँ पे आप सर्कल मार्क कर लीजिए और सिमिलरली ये डिज़ाइन ट्रेस कर लीजिए। और इसको हम ब्रश की हेल्प से, फैब्रिक पेंट से हम कर सकते हैं। और अगर ब्रश की हेल्प से आप नहीं कर सकते हैं 0 नंबर ब्रश की हेल्प से, तो मेरा एक वीडियो मैंने अपलोड किया है कोन्स कैसे बनाते हैं एक्रिलिक कलर या फैब्रिक कलर का डिज़ाइन। तो बनाने के बाद कोन से भी कर सकते हैं, तो कोन से बहुत फास्ट हो जाता है। कोई भी कलर इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, तो आप डिज़ाइन के बीच भी आप कलर कर सकते हैं। तो अगर आप डिज़ाइन के बीच में कलर करना चाहते हैं तो पहले आप कलर करिए और उसके बाद में ब्लैक से आउटलाइन करिए। फ्लावर की इक्वल पेटल्स बनाने के लिए आप पहले लाइंस बना लीजिए और फिर उन लाइंस को कनेक्ट करके फ्लावर की पेटल्स बनाइए। फ्लावर के बाहर हम लीफ बनाएंगे। लीफ के लिए भी हम पहले उसको इक्वली प्रोपोर्शन में डिवाइड करके और बनाएंगे ताकि सब जगह इक्वल लीफ आए। अब जितनी डिज़ाइंस इसमें बना सकते हैं बनाइए। एम्प्टी स्पेसेस को फिल करने के लिए जस्ट 3-3-3-3 करके जो हम कंगूरे स्टाइल में बनाते हैं वैसे ही हम डिज़ाइन बना करके इसको पूरा फिल कर सकते हैं। ये देखिए हम कोन की हेल्प से भी डिज़ाइंस बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कोन को आपको स्लैंटिंग यूज़ करना है, खड़ा रख के नहीं करना है, प्रेशर नहीं देना है ज़्यादा, बहुत लाइट प्रेशर से काम करना है। और जब आप कोन से काम करते हैं तो ध्यान रखिएगा कलर ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मिडिल पार्ट में जहाँ पर आर, मिनट और सेकंड्स हैंड आएंगे वहाँ पर आपको एक थोड़ा बड़ा सर्कल छोड़ना है ताकि जब हम इसमें क्लॉक फिक्स करेंगे तो वहाँ पर हमें छेद करना होगा। तो मिडिल में आप सर्कुलर वे में डिज़ाइन बनाइए और जो 12, 6 और जो नंबर है सब वहाँ पर भी आप सेमी सर्कल डिज़ाइंस बनाएंगे। मिडिल में क्लॉक फिक्स करने के लिए हमें सबसे पहले छोटा छेद करना है और जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही आप छेद करिएगा, पहले से ही बड़ा छेद नहीं करना। क्लॉक मशीन फिक्स करने के लिए हमने जो हमारी छोटी एम्ब्रॉयडरी रिंग इसमें फिक्स की थी उसकी साइज़ का राउंड MDF बोर्ड या फिर कार्डबोर्ड लगाइए। तो इस तरह से हमारी फैब्रिक वॉल क्लॉक रेडी हो जाएगी।